चलिए कंटिन्यू करते हैं ट्रेनिंग को दोबारा एक्चुअली काफी यहाँ पर ना सीट्स फुल हो गई तो टीम के मैसेजेस आ रहे थे मैम यूट्यूब लिंक सेंड कर दो तो वही क्रिएट कर रहे थे चलिए तो हम यहाँ पर कहा थे अच्छा बताओ कंटिन्यू करते हैं ट्रेनिंग को दोबारा एक्चुअली काफी यहाँ पर ना सीट्स फुल हो गई तो किसी का रिप्लाई नहीं आया मुझे हम कहा थे ट्रेनिंग लगा भी रहे हो कि नहीं लगा रहे हो लगा रहे हो ट्रेनिंग चलिए नेटवर्क मार्केटिंग ग्रेट तो हम कहा थे आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे आपको बुरे लोग भी मिलेंगे आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो अच्छा अच्छा ही बताएंगे कोई आपको बोल रहा है कि ब्रदर नेटवर्क मार्केटिंग मत करो फ्रॉड है पैसा लेकर भाग जाती है

अब कोई हमें हमारे पास आया और क्या बोल रहे थी ना दस कर देंगे नेगेटिविटी की अब एक और मूवी देख कर आए बहुत ही अच्छी थी बहुत ही अच्छी मूवी देख कर आया फिर कोई आया कि यार मैं ना फलानी मूवी देखने जा रहा हूँ अब हम क्या बोल रहे हैं हाँ देखा अच्छी थी बस एंड में ये हुआ था क्या करा एक्साइटमेंट में स्टोरीज की खराब कर दो यानी कि जब आपको आप कुछ अच्छा एक्सपीरियंस गेन करते हो ना तो आप जल्दबाजी में आप उसकी कुछ खूबियां बता पाते हो लेकिन जब आप बुरा एक्सपीरियंस गेन करते हो ना आप इतनी सारी कमियां अपने पास से भी बनाकर सब कुछ डाल दोगे होटल से बना बनाया खाना लेकर आए लेकिन उसमें घर आकर और मिर्च मसाला ऐड कर लिया और वो ना खाने लायक रहा ना खिलाने लायक रहा Understand करो तो गेन किया होता है, होता है। किया ना अब और बताएंगे यार मेरे से तो पचास हजार ले लिए थे यार मेरे से तो ऐसा कर लिया था यार मेरे तो भैंस बिकवा दी यार मेरे तो घर के पेपर भी निकलवा लिए थे यार मेरे साथ तो ऐसा कर लिया कंपनी वालों ने तू मत कर भाई देख मैं एक बार फंस चुका हूँ मैं नहीं चाहता मेरा भाई यार तू फंस जाए मतलब ऐसे कर करके कर करके कर कर कि एक बंदा जा रहा है वो आगे बढ़ना चाहता है जिंदगी में बट अपने एक्सपीरियंस की वजह से अब कभी ना हमने सुना था लाइक जब स्मार्टफोन ना चले ही थे सबसे ज्यादा न्यूज आती थी कान पे लगा हुआ फोन फट गया कान भी जल गया पर्दा फट गया अब लोग क्या फोन नहीं ले रहे किस, किसी एक के साथ हादसा हुआ तो उसने फैला दिया कि फोन फट रहे हैं की ही इस्तेमाल करो अरे भैया अगर स्मार्टफोन की तरफ नहीं जाएंगे तो हम जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे हम तो की पैड में ही रह जाते आज के टाइम पर भी अंडरस्टैंड करो वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ता है यानी कि आपको पॉसिबिलिटीज हर जगह नजर आएंगी आपको अपने स्टेप पीछे लेने के लिए भी नजर आएगी और अपने स्टेप आगे लेने के लिए भी नजर आएगी बट ये आपने चूज करना है कि आपने जाना कहाँ है सही के साथ जाना है या गलत के साथ जाना है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया अगर मुझे कोई हेल्थ इशू है और मुझे कोई सही भी गाइड कर रहा है और गलत भी गाइड कर रहा है तो मैं बेटरली जानती हूँ मुझे क्या चीज फॉलो करनी है मेरे लिए क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है तो आप लोग भी ये डिसाइड कर सकते हो अपने लिए कि आप लोग क्या चीज आपके फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल है फॉर एवर लिविंग की बात करते देखिये फॉर एवर लिविंग में जो पॉसिबिलिटीज है ना वो आपको मुझे नहीं लगता मार्केट में कहीं और किसी अदर प्लेस पर मिलेंगी किसी अदर प्लेस पर आपको मिलेगी यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिलता है आपको जॉब में नहीं मिलेगा आपको अपने बिजनेस में भी नहीं मिलेगा क्योंकि अपने बिजनेस में बंदा इन्वेस्ट करके ना बंद जाता है फंस जाता है जॉब के अंदर तो है ही नहीं क्योंकि वहां पर मैंने अपने आपको या कोई भी इंसान अगर जॉब करे तो उसने सेल कर दिया नौ बजे आएगा आठ बजे जाएगा पांच बजे जाएगा उसकी फिक्स टाइमिंग है वहां बॉस है उसका यहाँ पर आपको इनहेरिटेड सिक्योरिटी मिलती है हमें कुछ हो जाता है हमारी जनरेशन सिक्योर है यहाँ पर मुझे टेंशन नहीं है अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे मेरे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर है एकदम मैं बिल्कुल माइंड फ्री हूँ आज के टाइम पर आपने देखा हमारे पेरेंट्स की हालत क्या होती है आज के टाइम पर अब देखिए मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ एक एग्जाम्पल देती हूँ आप ना रियल लाइफ से कनेक्ट करना ऐश्वर्या राय देखे हमने माधुरी दीक्षित देखिए हमने सलमान खान देखा है शाहरुख खान देखा है ऋतिक रोशन देखा है क्या लगता है हमारे पेरेंट्स से कुछ बहुत ज्यादा बड़े हैं क्या ज्यादा एज हमारे पेरेंट्स से कुछ बहुत ज्यादा बड़े नहीं है हो सकता है कई के तो हम उम्र हो सेम सेम एज के है बट हमारी मदर और हमारे फादर और उन सेलिब्रिटीज में कितना डिफरेंस है कितना ज्यादा डिफरेंस है उनकी स्किन ग्लो कर रही है हमारे मदर के डार्क सर्कल पड़े हुए रिंकल्स आ रखी हैं

तो इन्वेस्ट करती हूँ तो वहां पर भी इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स है इतनी सारी नॉलेज है अलग अलग फील्ड के अंदर उसने ना इंटरेस्ट दिखाया तो यहाँ पर क्या है फॉर लिविंग इज जस्ट अ शेयरिंग एंड केयरिंग बिजनेस यहाँ पर आपको शेयर करना है अब अभी भी हम उसे बोलना सिखा रहे हैं वो सीखेगा फॉर एन एग्जाम्पल कोई भी बच्चा है जैसे मैं कबीर की बात करती हूँ बोलना सीखेगा सीख रहा है क्या करे सिखा ही तो रहे हैं

राइट पॉसिबिलिटीज और ऑपर्चुनिटीज आपको मार्केट में हजारों मिल जाएंगी बट लाइक अ नेटवर्क मार्केटिंग और लाइक अ फॉरएवर लिविंग कांसेप्ट आपको दूसरा मार्केट के अंदर नहीं मिलने वाला अंडरस्टैंड कर रहे हो मार्केट में आपको दूसरा कांसेप्ट नहीं मिलेगा इसके जैसा जहां पर आप बिना किसी को धोखा दिए हुए पैसा कमा रहे हो राइट right? जहां पर आप आप किसी को कुछ गलत गाइड नहीं कर रहे हो जहां पर आप किसी को कोई फेक प्रोमिस नहीं कर रहे हो आपको पता है यार आपको कोई ऐसा यहाँ पर फॉल्स कमिटमेंट कर रहा है कि यार चार साल रह कुछ मत करो तू अपना घर ले जाएगा ये है फॉल्स कमिटमेंट आपको दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरे कंसेप्ट में मिलेगा हम किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे आपको दूसरी जगह मिलेगा ब्रदर कोई काम नहीं करना कुछ नहीं करना बस जा अपने जैसे और ले आ यार कुछ नहीं करना तो दुनिया कुछ ही नहीं कर रही वो क्यों नहीं कमा रहे फॉर एवर लिविंग में भैया काम है और करना पड़ेगा हर इंडस्ट्री में कुछ न कुछ काम होता है यहाँ पर काम है आपका इन्विटेशन का फॉलोअप सेल क्लोज करने का काम है आपका आपको काम यही है जो हम सिखा रहे हैं आपको पॉसिबिलिटीज फाइंड आउट करनी है और कुछ भी नहीं करना रास्ता खुद ढूंढना है आपको क्योंकि देखिए लिविंग एक बना, बना एक है ऑफ बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पर कोई गाड़ी की तरफ जा रहा है कोई घर की तरफ जा रहा है कोई पैसे की तरफ जा रहा है आप भी अपना एक पर्टिकुलर गोल रख लो यार मुझे पहले ये चीज हासिल करनी है मैं जाऊंगा यहाँ पर अंडरस्टैंड करो तो ये चीज अपने माइंड में लेकर आओ क्योंकि देखिए मैं आपको सिंपल एक चिंता हूं मैंने जैसे आपको बताया आपको आपसे बेटर कोई नहीं जानता अगर आप प्रेजेंट में आज लिविंग को करने का एक एक डिसीजन बनाते विजन लेकर आते हैं तो जो फ्यूचर में इसका रिजल्ट आएगा ना उससे आप इंजॉय करने वाले हो लेकिन अगर आज किसी की बातों में आकर इसे छोड़ देते हो है ना इसे सोचते हो कि यार ये मेरे क्लास का बिजनेस नहीं है ये मेरे लेवल का बिजनेस नहीं है ये तो मेरे टेस्ट का बिजनेस नहीं है और फिर आप पांच साल बाद अपने आप को देखोगे तो आप फॉर एवर से कुछ हासिल नहीं कर पाओगे आप क्या देख रहे हो अपने आप को यार मैं तो एक जॉब कर रहा हूँ क्या चीज है? है मेरे लिए भी वही कंसेप्ट था आपके लिए भी वही कंसेप्ट है पांच साल पहले मेरे लिए भी दो सीसी का बिजनेस था आपके लिए भी है मेरे लिए भी ट्वेंटी फाइव था आपके लिए भी ट्वेंटी फाइव है मेरे लिए भी मैनेजर लेवल एक सौ बीस सीसी पर था आपके लिए भी सेम है डिफरेंस किस चीज का है मुझे बातों में हा में हाँ मिला रही हूँ गधे की तरह की जो रास्ता दिखाया जा रहा है उसी पे चल दिए और ये नहीं देख रहे आगे कितने गड्ढे आ रहे हैं कितनी चोट लगने वाली है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है मेरे साथ में हम ऐसे चली जा रहे हैं चली जा रहे हैं आंखें बंद करके इट्स लाइक अ महंगाई आ रही है इट्स लाइक अ तोता बैठा है आंखें बंद करके बिल्ली आ रही है बट मुझे नहीं खाएगी क्योंकि मैं तो देख ही नहीं रहा उसे अंडरस्टैंड करो सिचुएशन आपके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है किसी की नहीं आपके माँ बाप की भी नहीं है इवन कई बच्चे बोलते हैं यार आज फैमिली नहीं मान रही फैमिली की कितनी जिंदगी है दस साल पंद्रह साल बीस साल उसके बाद किसने निकालनी अपनी लाइफ आप लोगों ने किसके साथ निकालोगे अपनी आने वाली फैमिली के साथ और अपनी फैमिली को भी देखोगे अगर आज से स्टैंड हो गए तो अगर यही मां-बाप अभी तो फादर अर्न कर रहे हैं मम्मी घर में बनाकर दे रही है आप लोग मस्त एंजॉय कर रहे हो खा रहे हो लेकिन फादर की कभी एज भी तो आएगी जब वो रेस्ट मांगेंगे उनकी बॉडी भी एक लेवल पर आकर ही काम करना बंद हो जाएगी वही बोलेंगे बेटा जाकर आज फॉरएवर लिविंग कर लोगे तो फादर को आज ही बोल सकते हो

बाद में क्या करोगे क्या ऑप्शन है एक जॉब जॉब में किस किस का देखोगे फैमिली के एक हजार खर्चे होते हैं और एक हजार खर्चे लाखों रुपए लगते हैं फ्यूचर में क्या करोगे फिर वही पेरेंट्स बोलेंगे निकम्मा नकारा कुछ कर ही लेता कुछ पढ़ लेता कहीं तो कुछ कर लेता कैसी औलाद पैदा हो गई मेरे यानी कि हमारे पेरेंट्स देखिए मैं यहाँ पर किसी को गलत नहीं बोल रही सिचुएशन कि आप क्या क्रिएट करते हैं फ्यूचर में अपने लिए अंडरस्टैंड करो क्या क्रिएट करते हो तो आप लोगों ने देखना है अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अपनी आने वाली जनरेशन के लिए अपने अपकमिंग फैमिली के लिए कि वट इज बेटर फॉर अस कि आप लोगों के लिए क्या बेटर है आपकी फैमिली के लिए क्या बेटर है है ना क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है इतना तो हमारे अंदर दिमाग है कि हम लोग इसको इस्तेमाल कर सके है ना इसको इस्तेमाल कर सके इस, इसका फायदा उठा सके आइंस्टाइन ने अपने दिमाग को तीन परसेंट इस्तेमाल किया तीन परसेंट इस्तेमाल किया वो बंदा आज हिस्ट्री में उसका नाम है है ना आज तक याद करते हैं हम जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन परसेंट अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकते इस चीज में कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है क्या चीज पॉसिबल है और क्या चीज पॉसिबल नहीं है लाइफ के अंदर आज ही आपको कोई गाइड कर दे कि यार ये ले बंदूक और और लोगों को मारा करोड़ तेरे आपको पता है ना ये चीज गलत है बट आपको पैसा भी दिख रहा है अब यहाँ पर दोनों सिचुएशन आ गई किसी को मारकर भी आप करोड़ों का मारे हो लेकिन फॉर एवर लिविंग कह रही है आप करोड़ लाखों लोगों को ठीक कर दो और ले लो करोड़ों ये भी ठीक है लेकिन अब आपका दिल और दिमाग किस चीज को सपोर्ट करता है सही को या गलत को काम तो दोनों जगह करने हैं एक जगह आपको लाखों लोगों को मारकर करोड़ों मिल रहे हैं एक जगह लाखों लोगों को सही सही करके करोड़ों मिल रहे हैं है ना तो जाहिर सी बात हम सही के साथ जाएंगे क्योंकि देखिए पता क्या चीज है जब हम किसी भी राइट थिंग को चूज करते हैं ना तो वो थोड़ी मुश्किल होती है थोड़ी सी मुश्किल होती है जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉडी बनाने लेकिन छह बजे उठना पड़ेगा सुबह डिफिकल्ट है बट हेल्थ के लिए अच्छा है वॉक करनी पड़ेगी डिफिकल्ट है बट हेल्थ के लिए अच्छा है एग्जाम डिफिकल्ट है बट फ्यूचर के लिए बेटर है अंडरस्टैंड <coughs> करो इस चीज को कि जो डिफिकल्टीज होती है वो आपकी लाइफ में सही पॉसिबिलिटीज की जो होप्स होती है ना जो वाइब होती है उनको इंक्रीज उनको बढ़ा देती है अब ये लेकिन आपने डिसाइड करना है कि मुझे जाना किस तरफ है क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊ ना आसानी से मिली हुई चीजें आपके लंबे समय तक साथ नहीं रहेंगी हमें लगता है ना यार नौकरी कर लू आसानी से मिल जाएगी आठ दस हजार की मिल जाएगी सच में मिल जाएगी महीन दिन के बाद सैलरी आपके हाथ में है कब तक कर लोगे गुजारा आज अकेले हो कर लोगे कल को वाइफ आ जाएगी तब तो भी मैनेज कर लोगे लेकिन माँ बाप भी तो है उन्हें छोड़ तो नहीं दोगे ना किसी के लिए या पैसा कम होने की वजह से क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े कुछ भी हो रहा है मार्केट के अंदर कतल तक हो रहे हैं इसकी वजह से हो रहा है पैसे की वजह से लोग अपने माँ बाप को जिन माँ बाप ने हमें बड़ा करा उन्हें बच्चों को वो बोझ लगने लग जाते हैं पैसे की कमी आ जाती है अनाथ आश्रम छोड़ाते हैं क्यों होता है पैसे की कमी इसे इसे पूरा कर सकते हो अंडरस्टैंड करो इस कमी को पूरा किया जा सकता है बट कैसे राइट right टाइम पर राइट डिसीजन बनाकर ये चीज आप देखो क्योंकि देखिए फॉर एवर लिविंग एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है मैं मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपने बारे में बताया था कि मैं पांच साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ मैं एज अ सीनियर मैनेजर लेवल अचीव सीनियर मैनेजर लेवल अचीव किया हुआ मैंने कार प्लान लेवल वन टू एंड थर्ड सारे ही यहाँ पर मैंने अचीव किए हुए हैं और साथ ही अगर बात की जाए एम और ग्लोबल रेली क्वालिफायर लिविंग ने बहुत अमेजिंग लाइफ मुझे दी है और मैं जितना ज्यादा थैंक्स कर अपने आप का किसी का नहीं करना मुझे अपने आप का करना है कि मैंने को करने के लिए अपने आप को मनाया राजी किया और मैंने मैंने यस कहा अपने ड्रीम्स को आप भी फ्यूचर में अपने आप को थैंक्स कहेंगे आप भी फ्यूचर में किसको थैंक्स कहोगे अपने आप आपको किया मैंने राजी किया उस टाइम पर यहाँ पर मेरे रिलेटिव मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स हर कोई नेगेटिव बट मैं राजी हुआ किसके लिए अपने सपनों के लिए आज मैं अचीव कर चुका हूँ आपको खुशी होगी उस टाइम पर अंडरस्टैंड करो क्या होगी आपको खुशी होगी बहुत ज्यादा आपको लाइफ में फिर हर चीज की पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा एक अच्छी गाड़ी को अफोर्ड करना आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा एक अच्छे घर के अंदर रहना, आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा जो हम दूर से बचपन से जहाजों को बाय करते जा रहे हैं ना एयरप्लेन्स को तो आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा उन उनके अंदर एक आम सी बात हो जाएगी उनके अंदर बैठना उनके अंदर फ्लाइट को आपको मतलब है ना आन, अप डाउन करना वहां से आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा फ्यूचर में अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर एडमिशन दिलवाने आपके लिए पॉसिबल हो जाएगा अगर वो कभी बीमार हो जाए तो उनको उनके लिए एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज को अफोर्ड करना आपके लिए हर कुछ पॉसिबल हो जाएगा लेकिन अगर आप आज अपने आप को आप राजी कर लेते हैं क्योंकि देखिए फॉर एवर लिविंग कंसेप्ट हर किसी की लाइफ में आता है यहाँ पर बहुत सारे बिगनर्स होंगे हमारे बीच में मेरी लाइफ में भी आया था मैं भी कभी बिगनर थी लेकिन इस बिगनिंग के बाद एक जो स्टेप लेना है ना वो स्टेप है नॉलेज का वो स्टेप है लोगों की नेगेटिविटी से फाइट करने का अपने आपको आप को स्ट्रॉन्ग बनाने का वो स्टेप बहुत ज्यादा जरूरी है कंसेप्ट देखना इज नॉट अ बिग डील ये कंसेप्ट देखना बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए कंसेप्ट में टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कहते हैं ना गेम को शुरू करना और गेम का अंत करना दोनों अलग अलग चीजें हैं शुरू एक हजार बंदा करेगा लेकिन खत्म कोई एक करेगा आप देखो आप खत्म करने वाले बनो शुरू तो बहुत लोगों ने किया हुआ है क्लियर हो रही है मेरी बात तो एंड करेंगे नेगेटिविटीज का एंड करेंगे लोगों की बातों का लोगों की डिमोटिवेशन का हर चीज का एंड करके अपने अपने ड्रीम्स की बिगनिंग करो अपने ड्रीम्स को हलो करो अपने ड्रीम्स का वेलकम करो राइट right? चले बहुत सारी डिमांड्स आ रही है मैम कबीर को दिखा दो मैम कबीर को दिखा दो कबीर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है कबीर तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है मिलने के लिए हेलो कर दो हेलो इसको बस लैपटॉप का शो कर इसे लैपटॉप दे दो बाय कर दो बाय कर दो बाय कर दो बाय बाय कर दो हेलो कर दो हेलो कर रहे हैं आपको हाय कबीर नहीं नहीं आप बस आप खराब कर दोगे पूरा सेशन बाय इसे देखना तो वेट <laughs> तो सिंपल चीज है देखिए मैं आपको बताती हूँ इंस्टाग्राम पर कबीर के इंस्टाग्राम पर और अपने इंस्टाग्राम पर दानिश सर भी जैसे आए हुए थे चंडीगढ़ में तो कबीर ना अभी थोड़ा सा बीमार था काफी ज्यादा बीमार हो गया था क्योंकि टीथिंग कर रहा है तो मैं आप लोगों ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ थोड़े दिनों का ही है कभी इतना ज्यादा बीमार हो गया था कुछ भी हो रही इनटेक नहीं कर रहा था ना पानी ले रहा था ना फीड ले रहा था ना खाना ले रहा था कुछ भी नहीं ले रहा था तो इसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा और जिस हॉस्पिटल में खेर कबीर हुआ था हम वहीं लेकर गए थे आप बिलीव नहीं करेंगे कभी ट्वेंटी फोर आवर अंडर ऑब्जर्वेशन रहा डॉक्टर्स की देखरेख में रहा वहां पर नियर अबाउट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का खर्चा आया हमारा और ये जिस मैं इसके लिए नहीं बता रही कि हमने स्पेंड करा मैं दिखावे के लिए नहीं बता रही मैंने अपने बच्चे के ऊपर स्पेंड करा हमने अपने बच्चे के ऊपर लगाया कोई बहुत बड़ी बात नहीं करी हमने बट सिंपल चीज है अगर मैं इस बिजनेस में थी तो शायद मैं एक अच्छी फैसिलिटी अपने बेबी के लिए अफोर्ड कर पाई क्योंकि मुझे वहाँ कोई टेंशन नहीं थी कोई कुछ नहीं था डॉक्टर्स बहुत अच्छे से केयर कर रहे थे ट्वेंटी फोर आवर बाद उन्होंने बोला कबीर इज ओके आप इसे घर ले जाओ घर जाकर इसकी टेक केयर करो हम वापिस ले आए और अभी अभी भी थोड़ा सा ठीक नहीं था तो अभी भी उन्होंने कहा था अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं ले आना वापस ले आना तो आप देखो अगर ये दो से तीन दिन भी अगर इसको एडमिट करते वही गवर्नमेंट फैसिलिटीज गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना तो हम नहीं अफोर्ड कर सकते उन चीजों को ना हम अगर एक मिडिल क्लास फैमिली में लेवल पर अपने आप को देखे शायद मैं नहीं कर सकती थी अगर मैं फोर में ना होती और मेरी खुद की सैलरी दस से बारह हजार होती तो मेरी वहां से छुट्टियां कटती अलग अगर मैं किसी जॉब में होती मेरी छुट्टियां कटती मेरी सैलरी कटती वहां से है ना पाँच सौ छह सौ रुपए जो भी मेरे पर पर डे की दिहाड़ी होती वहां से मेरा वो कटता साथ ही साथ मुझे मेंटली टेंशन होता कि यार मेरा अगला महीने का कैसा चलेगा साथ ही साथ मुझे टेंशन होता है यार मुझे कहीं से उधार उठाना पड़ेगा कि मुझे इसकी मेडिसन्स का करना है क्योंकि बच्चों की दवाई एक्सपेंसिव आती है ना इलाज तो गवर्नमेंट करवा लेंगे बट मेडिसिन का क्या तो यही चीज है कि आप लोगों को ना एक डिसीजन बनाने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है अपनी फैमिली भी है क्योंकि देखो मेरा तो बेबी बीमार था मैंने दे दिया लेकिन अगर फ्यूचर में ऊपर वाला ना करे हमारी फैमिली के साथ हो जाए उनके लिए भी हम एक अच्छी फैसिलिटी जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं तो सेम चीज है ना देखो आपके लिए भी है फॉर एवर एक बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है ये आपको बहुत कुछ देगा बहुत सारी चीजें सिखाएगा यहाँ पर आपको ठीक है तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाए अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए हर चीज के लिए बाकी मेरी इंस्टाग्राम आईडी है एम लक्ष्मी शर्मा ट्वेंटी थ्री आप देखेंगे है ना आई एम अंडरवूट लक्ष्मी शर्मा है ना देन ट्वेंटी थ्री तो आप देखेंगे आप वहां पर मुझे टैग कर सकते हैं अपनी स्टोरीज का मैं थोड़ा इनएक्टिव हूँ राइट नाउ कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर लेकिन मैं जैसे ही देखूंगी है ना अजर यूज कर लेते हैं तो वो देखेंगे हम जरूर आपको मैंशन बैक करेंगे वहां पर ठीक है बाकी आप अच्छे तरीके से करिए देखिए मेरे लिए ना मैं बिजनेस के अंदर मैं एज अ मदर नहीं आई थी एज अ वाइफ नहीं आई थी लेकिन मैं बिजनेस में हूँ तो मैं आज एक मदर भी हूँ और मैं स्टिल इस बिजनेस को बहुत ब्यूटीफुली मैनेज कर रही हूँ बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर बहुत सारे बॉयज हैं हमारे बीच में बहुत सारी लेडीज हैं जो सोचती हैं कि यार हम कैसे करेंगे बहुत सारी गर्ल्स हैं हम कैसे करेंगे तो ना बीइंग ए हाउस वाइफ बींग ए मदर शायद हमारे लिए ज्यादा डिफिकल्ट होता है है ना घर मैनेज करना बच्चा मैनेज करना तो आप लोग शायद मुझसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं राइट तो अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए अपना क्या दीजिए बेस्ट से बेस्ट दीजिए और आपको रिजल्ट भी बहुत अमेजिंग मिलेगा ठीक है बाकी विश ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल हम इस सेशन को यहीं पर एंड करते हैं बाय कर दो बाय बाय नहीं करो